तो हम गांवों में नहीं घुसने देंगे, बीजेपी को, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वोट लगा देंगे, ERCP नहीं तो वोट नहीं। अगर सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया ना तो इस पर युद्ध भी हो सकता है इस भारत देश में। वर्तमान में हमारी केंद्र सरकार से मांग है, हम कैसे मान लें कि डबल इंजन की सरकार हजार वो हमें इसे राष्ट्र पर ना, बिल्कुल विश्वास नहीं, नहीं बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। मेरा नाम जवान सिंह मोचा है, मैं ERCP संयुक्त मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारी मांग है जो बहुत दिनों से चली आ रही है वो है पूरी रास्ता नहर परियोजना, जिसको हम राष्ट्रीय पन्ना घोषित करवाने के लिए उन्हीं की सरकार द्वारा की हुई घोषणा को धरातल पर लाने के लिए आए हैं। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे एक पोस्टर देख सकते हैं कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है, ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। जल ही जीवन है ये तो मैंने सुना था, लेकिन जल के लिए लड़ाई करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? अब तो ये लड़ाई एक नॉर्मल लड़ाई है, मैं आने वाले समय के बारे में बताता हूँ। अगर सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया ना तो इस पर युद्ध भी हो सकता है इस भारत देश में। दर्शकों को ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? मेरा नाम जवान सिंह मोचा है, मैं ERCP संयुक्त मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारी मांग है जो बहुत दिनों से चली आ रही है वो है पूरी रास्ता नहर परियोजना, जिसको हम राष्ट्रीय पन्ना घोषित करवाने के लिए उन्हीं की सरकार द्वारा की हुई घोषणा को धरातल पर लाने के लिए आए हैं। किससे मांगे, राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से? वर्तमान में हमारी केंद्र सरकार से मांग है। जैसा कि हम सभी को मालूम है वहाँ पे गहलोत की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और लगातार वो बोल रही है कि हम दलितों के लिए और लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम करें, महिलाओं को फ्री बस दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक पानी का सवाल है, क्योंकि वो मरुस्थलीय इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पानी की कमी है, तो इस पे क्या कहेंगे? राजस्थान सरकार ने कुछ आपको आश्वासन दिया है? मैं अशोक गहलोत जी की सरकार के बारे में कहना चाहता हूँ, जो इस जो प्रोजेक्ट है, जो केंद्र का प्रोजेक्ट है, ये बड़ी योजना है और जो केंद्र जो राजस्थान सरकार के हिस्से में जो पैसा आता है उन्होंने उस पैसे को ये जो बजट पारित किया तो उसमें दे दिया। और रहा DPR का मामला, अभी हम चार दिन पहले पूरी टोली अशोक गहलोत से मिलने गई थी तो हमने देखा कि हमारे जो बांध है उनको भी उन्होंने दूसरे पेज में जोड़ दिया गया है। अब हमारी बात सिर्फ केंद्र सरकार से है, जिसे हम राष्ट्रीय पन्ना घोषित करवाना चाहते हैं, वो हमें इस पर मूर्ख बनाने के लिए गुस्सा है केंद्र की सरकार पे और आप नेताओं पे भी बहुत गुस्सा है। आपने बोला हमें नेताओं की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? ये बोल रहा हूँ कि आज हमारा देश का अन्नदाता मजदूर गरीब अपनी सुविधाओं के लिए मर रहा है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, आज जो हमारी मुख्य मांग है पानी की, पानी को लेकर आज हम दिल्ली में आए हैं। अगर इन नेताओं में हमारे प्रति लगाव होता ना, लगाव, तो हम क्यों आते हैं दिल्ली? तो इसी को लेकर हमने कई बार, ऐसा कोई नेता नहीं है पूरी राजस्थान का जो इस योजना में आता, 8 तो सांसद आते और 82 विधायक आते। हमने सबसे जाकर घर घर जाके संयुक्त मोर्चा के बैनर तले उनको लेटर पैड पे लिख के दिया है, मगर अभी तक उनकी तरफ से कोई भी एक शब्द नहीं आता है उनकी तरफ से। कितने दिनों से आप ये सब धरना कर रहे हैं? हम लगातार दो साल हो गए हमें ERCP के मामले को काम करते धरातल पर और सोशल मीडिया पर। साल से आप काम कर रहे हैं और आपने अभी, मैंने आपका भाषण सुना, आपने बोला हम नरेंद्र मोदी के छाती पे बैठे हुए थे, ये ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे अभी नेशनल हाईवे का उद्घाटन करने गए थे धनाबड़ की पावन धरा पर, तो पूरे आसपास के इलाकों को ये उम्मीद थी, जैसे दौसा, करौली, सबाई माधोपुर, सभी को, कि आज हमें ERCP को राष्ट्रीय पन्ना घोषित का तोहफा मिलेगा। बहुत बड़ी तादाद में भीड़ आई थी और सबको उम्मीद थी। जब वो भाषण दे रहा स्टार्ट किया था तो लगातार लोग उनके भाषण पर इस तरह से देख रहे थे कि कब ERCP को राष्ट्रीय पन्ना घोषित कर, मगर उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं मिला कि ERCP को लेकर। इसी को लेकर आज मैं यहाँ पर जंतर मंतर की पावन धरा पर एक किसान का बेटे होने का फर्ज अदा कर रहा हूँ। लेकिन हो सकता है वो भूल गए होंगे या फिर उनको मालूम नहीं होगा इस चीज के बारे में। हमने जब उनके चलते भाषण में नारे लगाए थे ERCP को राष्ट्रीय पन्ना घोषित करो, एक मिनट हमने चलते भाषण में नारे लगाए थे हमने साहस करते हुए, तो फिर उन्होंने क्या बोला कि हमें डबल इंजन की सरकार दो तब हम इसे राष्ट्रीय पन्ना घोषित करेंगे। अरे किसान को क्या मतलब डबल इंजन और एक इंजन, हमें तो पानी चाहिए। डबल इंजन की सरकार किसने बोला? नरेंद्र मोदी जी ने शुरू में डबल इंजन की सरकार देंगे तभी हम पानी, हाँ पानी देंगे। उनकी नीयत खराब है, वो पूरी राजस्थान को पानी देना ही नहीं चाहते, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आरोप है, उनकी बात, मेरे पास वीडियो है,
मैंने पूरा भाषण का वीडियो, उन्होंने बोला मैं एक बार इसी योजना के जल संसाधन मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी उससे भी अपनी टोली के रूप में मिला था, तो वो सवाई माधोपुर का मैं रहने वाला हूँ, वहीं पर जन आक्रोश रैली थी बीजेपी की, उसमें मिला था, तो उसने यही शब्द उनके थे। लेकिन आपने जो कहा डबल इंजन की सरकार, तो क्या दिक्कत है डबल इंजन की सरकार? क्यों दें, ये हमारे हाथ में, ये तो ये गरीब मजदूर किसान वोट देकर बनाएंगे हम। गहलोत सरकार से खुश हैं? अरे नहीं, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब उनके ही द्वारा DPR बनी थी पूर्व वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में, वसुंधरा राजे की सरकार थी, उन्होंने DPR को तैयार किया था, आज उनकी सरकार उनकी बनाई हुई DPR को गलत बताती है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो आज जल संसाधन मंत्री है वो स्वयं इसके सलाहकार थे, तो हम कैसे मान लें कि डबल सरकार बन जाएगी और वो हमें राष्ट्रीय पन्ना घोषित दे। आपको शक है मोदी जी पे? मोदी जी बिल्कुल कतई किसान हितैषी है ही नहीं है सरकार, इसमें कोई दोराय नहीं है। मैंने किसान आंदोलन में भी देखा था, मगर किसान आंदोलन को तो इन लोगों ने किसान सरकार विरोधी माना था, मगर ERCP तो एक सबकी है, गरीब मजदूर 36 कौम की है, जीव जंतु की है, वनस्पति, ये ना कोई BJP की ना कोई कांग्रेस की। पानी तो लागू करना चाहिए, जाहिर सी बात है कि राजस्थान जैसे जगहों में जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती रहती हैं और होती भी हैं, क्योंकि वो रेगिस्तान का इलाका है और वहाँ पे पानी, लेकिन इन्होंने जैसा कहा, ये मेरे जवान नहीं, इन्होंने कहा है कि मोदी जी ने ऐसा कहा है कि जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तब हम ये चीज़ लागू करेंगे, लेकिन आपने कहा हमें ये उम्मीद था, लेकिन उम्मीद पे तो खड़े उतर रहे हैं मोदी जी? नहीं बिल्कुल कतई उम्मीद पर, किसी भी उम्मीद पर कोई खड़े नहीं उतर रहे हैं। उम्मीद तो देखिए, यूपी में डबल इंजन की सरकार है, कितना तरक्की कर रहा है यूपी, गुंडा राज खत्म हो रहा है, राम राज आ रहा है। हमारे जो वर्तमान में राजस्थान सरकार है और जो यहाँ पर केंद्र सरकार है, हमने शुरू से देखा है उनका लगातार 10 साल का कार्यकाल होने जा रहा है केंद्र सरकार यार, और ये योजना भी 10 साल की है। अगर उनके दिल में ERCP को लेकर प्यार होता या किसान कौम के लिए प्यार होता या पूरी राजस्थान से अगर उनको प्यार होता तो आज ये योजना 2023 में धरातल पर क्रियान्वित हो जाती, मगर उनकी बातों से लगता नहीं है। हम कैसे मान लें कि डबल इंजन की सरकार हजार वो हमें इसे राष्ट्रीय पर ना, बिल्कुल विश्वास नहीं, नहीं बिल्कुल विश्वास नहीं करते हम। क्या चीज़ें हैं, मतलब क्या दर्शकों को एक बार बताएंगे कि ERCP ना होने की वजह से क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है किसानों को, मजदूरों को, लोगों को, वहाँ की जनता? एक तो मैं बात बता, जैसे गरीबों की बात करें, आज मेरे पास जमीन है, अगर मेरे पास पानी नहीं है तो मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा पढ़ाना लिखाना, यानी वो चीज़ जो देना चाहता हूँ वो नहीं दे सकता हूँ। जिसके बाद मजदूरों की बात करें, अगर पानी होता तो हमारे वहाँ पर कल कारखाने खुलते, उनको धंधे मिलते, उनको रोज़गार मिलता, और किसान बेचारा क्यों दर दर भटकता? आज किसान मर रहा है भूखा प्यासा मर रहा है, ऐसी नौबती क्यों आती? लेकिन मोदी जी जब भाषण देते हैं तो कहते हैं हम किसानों के लिए, जवानों के लिए, महिलाओं के लिए काम करते हैं, और आप आरोप लगा रहे हैं। मैं तो जब मानूंगा मोदी जी को, जब हमारे वहाँ पर ERCP को राष्ट्रीय पन्ना घोषित का दर्जा और धरातल पर इसकी नींव लग जाएगी इस प्रोजेक्ट की, उस दिन हम मान जाएंगे कि मोदी जी किसान हितैषी हैं पूरी राजस्थान के, नहीं तो हम बिल्कुल इतनी सी बात के लिए मान जाएंगे। क्यों नहीं, ERCP क्योंकि जैसा कि आपको नहीं पता होगा यहाँ पे किसान लगातार रैलियाँ कर रहे हैं, राजस्थान से भी सरकार आ रहे हैं, राजस्थान से भी किसान आ रहे हैं, और वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे जंतर मंतर पे जवान धरने पर हैं, लगातार सब लोग धरने पे हैं। तो आप अगर आपको मान लीजिए कि ERCP लागू कर दिया जाता है तो क्या आप डबल इंजन की सरकार बनाएंगे? जब वो ERCP को राष्ट्रीय पन्ना घोषित का दर्जा देंगे ना, तभी इस चीज़ का हम जवाब देंगे कि वो हम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो अभी आखिरी बार मोदी सरकार से क्या कहना चाहते हैं, 10 साल हो चुके हैं, क्या करेंगे आगे, आपका क्या आंदोलन रहेगा, किस तरीके का मोड़ लेगा, क्या रणनीति रहेगी आप लोग? अगर हमें ERCP को राष्ट्रीय पन्ना घोषित, हम मोदी सरकार की बात नहीं करना चाहते, चाहे राजस्थान सरकार हो, गहलोत सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, या वर्तमान में यहाँ पर BJP ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, हम तो दोनों सरकारों से कहना चाहते हैं अगर हमारी ERCP पर अगर वो खड़े नहीं उतरे पूरी राजस्थान के किसानों के लिए, तो हम गांवों में नहीं घुसने देंगे BJP को, चाहे BJP हो चाहे कांग्रेस हो, गांव में नहीं घुसने देंगे, गांवों में बिल्कुल वोट लगा देंगे, ERCP नहीं तो वोट नहीं। देख सकते हैं लगातार जो है ERCP की मांग की जा रही है, और ERCP एक बड़ा मुद्दा बन गया है वहाँ के लोगों के लिए, किसानों के लिए, ERCP ना होने की
वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जल नहीं होने की वजह से ये लोग सही से जो खेती नहीं कर पाते हैं, पीने की पानी में कमी आती है। और जो ये जो मामला इन्होंने कहा कि ये मामला है केंद्र सरकार का, और केंद्र सरकार ने अगर मोदी जी ने ऐसा बयान दिया है कि डबल इंजन की सरकार लाओ तभी हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, तो ये आप विचार कीजिए कि ये सही कहा उन्होंने या गलत कहा। आपकी इस पूरी खबर पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।